हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सभी की आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जैसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, आप भी बिल्कुल एक फ्लेम की तरह, आपका भी जो भविष्य है जगमगाता रहे, आपको ढेर सारी सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी माता लक्ष्मी प्रदान करें और सभी को डिवाइन यूनियन प्रदान करें। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से मैंने एक डिटेल वीडियो नहीं बनाया था, मैं व्यस्त थी, बट इस वक्त मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सोलर एक्लिप्स आ रहा है। और जैसे कि हर साल मैं सोलर एक्लिप्स पे वीडियो बनाती ही हूँ, बट ये साल कुछ अलग है, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी था, छोटा ही सही पर एक वीडियो आपके लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पहला रीज़न कि ये जो एक्लिप्स आ रहा है, ये है सोलर एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो, ठीक है? तो कुछ स्कॉर्पियंस काफ़ी इस वक्त आप लोग केयरफुल रहिए, वैसे सभी को रहना है, सभी को इफेक्ट करने वाला है ये सोलर एक्लिप्स, लेकिन कोई डराने वाली बात नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एक्लिप्स आ रहा है, ये फॉलोड बाय द न्यू मून आ रहा है, और ऐसे चांसेस वेरी रेयर होते हैं, कई कई सालों के बाद ऐसा होता है कि दिवाली में हमारी न्यू एक प्रकार से न्यू मून है एंड देन फॉलोड बाय द सोलर एक्लिप्स। तो डेफिनेटली बहुत हाई इंटेंसिटी की एनर्जी है, वीनस का इम्पैक्ट है। वीनस मतलब कि आपके लव के, लव रिलेशनशिप, इस तरीके से मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे आपके इफेक्ट करने वाला है, तो ओवरऑल ये सब पे इफेक्ट करने वाला है, ठीक है? और जब बात लव और रिलेशनशिप की होती है तो ट्विन फ्लेम पे तो ये एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि ये आज की सोलर एक्लिप्स पे मेरा वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक चैनलिंग भी है कलेक्टिव में, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए भी। तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि भरपूर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूँ। तो सबसे पहले बेसिकली हर साल सोलर एक्लिप्स जब आता है हमारा, तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना ही पड़ता है कि जिस टाइम पे हमारा एक्लिप्स पड़ता है उस टाइम का हमें बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि इस बार लगभग 25 अक्टूबर को दोपहर के 2:30 बजे से शाम के लगभग 6:30 बजे तक ये रहेगा। उस टाइम पे आपको पता है कि आपको मेडिटेशन करना है, सिस्टमेटिक इनर वर्क कर सकते हैं आप, मंत्र साधनाएं करना है, साइलेंट मेडिटेशन करना है, जो भी अच्छी से अच्छी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं वो करनी है, और कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? अपनी उस एनर्जी को पूरा इस वक्त आपको अपने डिवाइन से अलाइनमेंट में ही यूज़ करना है। इस वक्त खाना ना खाएं, बल्कि हो सके तो तुलसी पत्र सवेरे ही तोड़ के रख लीजिए, अपने भोजन में, अपने जल में सब जगह तुलसी पत्र डाल कर रखिए, ताकि शाम को वो खाना आपको बिल्कुल प्योर और शुद्ध मिले। तो ये सब बेसिक बातें तो आप लोग जानते हैं, जो कि हर साल मैं बताती भी हूँ। तो इतना कुछ इसमें मेन चीज़, अब आज का जो हमारा वीडियो है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो वीनस पे इम्पैक्ट करने वाला है, तो वीनस मतलब कि आपकी लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मनी, फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ब्यूटी, फैशन, इस सब एरिया में इफेक्ट करने वाला है। तो ट्विन फ्लेम पे ये क्या इफेक्ट करने वाला है, ये अब हमारी समझने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो मैं ऊपर बताना भूल गई, कि लगभग हमारे सोलर एक्लिप्स से अगले 10 दिन तक, मतलब ऑलमोस्ट लूनर एक्लिप्स तक, आप कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ट्रैवलिंग्स अवॉइड करेंगे, अननेसेसरी कोई भी डिसीजन, जॉब का, करियर का, ग्रोथ का, स्विच करना है, नई प्रॉपर्टी लेना है, नया व्हीकल लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जितने भी लेना है दिवाली पे ले लीजिए, उसके बाद आपको नहीं लेना है, ठीक है? चलिए बात करते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी की। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोलर एक्लिप्स की ये है कि आपका थर्ड आई का एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है? एक इनर नोइंग का एक्टिवेशन हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में, क्योंकि ये एक्टिवेशन डीएम और डीएफ दोनों का हो रहा है।
जब थर्ड आई हमारी एक्टिव होती है, बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, बहुत सारी यू नो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स सरफेस में आएंगी, बहुत सारी कहते हैं ना इल्यूजन्स ब्रेक होंगे, बहुत सारी ईगो डेथ्स होती हैं। तो इस चीज़ को हमें डरना नहीं है, इसको हमें पॉजिटिवली लेना है कि डीएम की जब बहुत सारी जब एक्टिवेशन होगा उसके बहुत सारे भ्रम जिसके कारण से आपके डीएम ने आपको छोड़ दिया, बहुत सारे इल्यूजन्स ब्रेक होंगे, डीएम का वो सारा ईगो जिसके कारण से वो आपसे रन कर रहे थे वो सारे ईगो की डेथ होगी, ठीक है। उनके ऊपर की जो अंदर की सारी जो गंदी जो लेयर्स हैं वो सरफेस में आएंगी नहीं, बल्कि वो खुद भी उसको देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उस पर काम बिल्कुल कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आगे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग ज़रूर है सोलर एक्लिप्स की, बट ये क्योंकि वीनस इम्पैक्ट कर रहा था, ये बहुत सारे रियूनियन के साथ भी ये एनर्जी फॉलोड बाई यूनियन भी है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी एक बात कि क्योंकि बहुत सारी इनर नोइंग्स क्योंकि एक्टिवेशन के साथ थर्ड आई एक्टिवेशन के साथ बहुत सारी जो इनर नोइंग्स हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स आपको भी होंगी, आपके डीएम को बहुत सारी क्लैरिटी भी रिसीव होगी। तो आपके डीएम का एक जो बेस्ट पार्ट है जो वो मे बी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर करें कि वो अब जैसे कि आप खुद के अंदर डीएम को महसूस करते हो, वो अपने अंदर आपको अब महसूस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी एनर्जी को अपने अंदर रेजोनेट करेंगे, फील करेंगे, एहसास करेंगे, जो बोलना है वो करेंगे। वो ये वो एनर्जी है, इसको आप सोल मर्जिंग भी कह सकते हैं कि डीएम की जो सोल मर्जिंग होती है ये वो फील करेंगे। और ये टाइम है आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आने का, और ये आपको आने की कोशिश नहीं करनी है, ये आप अपने आप आओगे, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि इस वक्त डीएम भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, आपको भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि आप इस प्रकार से आपके जो क्योंकि ये जो लेयर्स हैं, जब आपके मैंने बताया ऊपर बताया कि लेयर्स जो उतरेंगी तो ये सब अपने आप ही लेयर्स उतरेंगी, अपने आप ही ईगो डेथ होगी, तो आपको अपने आप ही अपने ट्रू सेल्फ में आना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर गारंटी है कि आपके डीएम की एनर्जी चेंज होगी ही होगी, यहाँ पर गारंटी है कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके यूनियंस होंगे बहुत सारे, क्योंकि ये एनर्जी आपके भी हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वार्निंग क्या है कि अगर डीएफ प्रॉपरली इनर वर्क नहीं करती, सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं करती, अपने ईगो पे वर्क नहीं करती है, देखिए मैंने पिछले मंथ ईगो की चैनलिंग की थी और बहुत लोगों की ईगो की डेथ इसलिए की गई थी कि इस समय का आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, पर अगर अब तक भी आपकी ईगो की डेथ नहीं हो रही है, आप दूसरों को जज कर रहे हो, मेंटर को जज कर रहे हो, अपने घर वालों को जज कर रहे हो, आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, या आप जर्नी को जज कर रहे हो, आप अपने ट्विन को जज कर रहे हो, आप खुद पर काम करने से ज़्यादा सिर्फ दूसरों को जज करने में बिजी हो, तो आपके लिए ये जो टाइम है बहुत ही भयानक हो सकता है। मार्क माई वर्ड, ठीक है, ये टाइम आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, आपके डीएम को भी ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, बिल्कुल आप दोनों का ही इस वक्त ट्रू सेल्फ ऊपर आएगा ही आएगा, रियूनियन होगा ही होगा। देखिए मैं बहुत ज्यादा कोर से इस चैनलिंग को आज बोल रही हूं, हो सकता है कि आप फील करो, आपकी जो एनर्जी होगी आपके डीएम उसी वही एनर्जी को रिएक्ट करेंगे, ये समझ लीजिए, दे विल ओनली फॉलो योर एनर्जी बिकॉज यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड। और ये बताइए कि अगर आपकी एनर्जी हाई वाइब में होगी, आपकी एनर्जी ऑथेंटिसिटी वाली होगी, आपकी एनर्जी प्योर होगी, आप सेल्फ लव की एनर्जी में होगे, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होगे, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में होगे, तो देखिए आपके पर्सन लिख लीजिए कहीं मेरी ये बात, वो बोलेंगे आई कांट डिनाई दिस कनेक्शन, आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू माई ब्यूटिफुल काउंटर पार्ट माई डीएफ। लेकिन ये तब जब आपकी एनर्जी वैसी हाई वाइब्रेशन वाली होगी, ऑथेंटिक होगी, ईगो सेल्फ कंप्लीटली शैटर, ठीक है, आपने अपने आप पे काम कर लिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल प्योर कर लिया है, ठीक है ना, अपने कर्मा डीएनए
एवरी वुंड्स को आपने हील कर लिया है, आपका डीएम आपसे रन ही नहीं कर पाएगा। आपका डीएम बोलेगा दैट आई कांट रन अवे फ्रॉम यू, आई कांट हाइड माई सेल्फ फ्रॉम यू एनी मोर, ठीक है। एंड इस प्रकार की एनर्जी है एंड यू कैन लिटरली फील द स्ट्रॉन्ग क्वांटम एंटैंगलमेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो आपको भी कोई हाइड एंड सीक नहीं करना है, आपको भी ऑथेंटिक रहना है, आपको भी ट्रू सेल्फ में रहना है। और इस वक्त का सोलर एक्लिप्स का ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्लिप्स है, बिकॉज इसके पहले न्यू मून और उसके बाद फॉलोड बाय द ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही रेयर है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स, ध्यान से सुनिए, इस वक्त का या तो आप बेस्ट फायदा उठा सकते हो या इस वक्त को आप गवा सकते हो। अगर आपने इस वक्त हार्ड वर्क कर लिया, अच्छे से इनर वर्क किया, सिस्टमेटिक इनर वर्क किया, अपनी लेयर्स पे काम किया, तो जिंदगी बन जाएगी, वरना लेयर्स तो उतरनी ही है, ईगो डेथ तो होनी ही है। तो अपना ध्यान रखिए और ये दीपावली को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करिए। दीपावली बहुत ही हर प्रकार से अच्छे से, सारे जो इस प्रकार से रिचुअल्स के साथ माता लक्ष्मी का आवाहन करिए, उनको वेलकम कीजिए और अच्छे से दिवाली मनाइए और प्रण लीजिए कि मैं हार्ड वर्क करूँगी, मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आऊँगी, अपने ट्रू सेल्फ में आऊँगी, मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को उस एनर्जी में लेके आऊँगी जहाँ हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है, जहाँ हम एक होते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।